यात्रा चलाने की कोशिश क्यों पई? क्योंकि देश के अंदर हालात ऐसे पैदा कर दिते गए, भारत को तोड़न दी गल्लां कीतियां गईयां, लोकतंत्र को तोड़न दी गल्लां, और जिस तरह के हालात हैं अज देश भर के अंदर, कित ईडी, कित सीबीआई, कित होर एजेंसियां, सो डर का मैं समझदा कि माहौल है। महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, और अज पूरे देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा दी गल्लां हो रही हैं, और बीजेपी इस गल का डर सता रहा है, और जिहड़ी लोकप्रियता राहुल गांधी की वध रही है, जिवें कि राहुल गांधी को यह कहा जाता है कि राहुल गांधी आलसी है, राहुल गांधी कुछ कर नहीं सकते, अज देश का कोई व्यक्ति एड्डी वड्डी यात्रा नहीं कर सकता। बीजेपी पार्टी दे विच हलचल मची हुई है, और ये भी आकाशरे लगाए जा रहे हैं कि किवें ना किवें इस भारत जोड़ो यात्रा को रोकया जाए। जितों तक भारत जोड़ो यात्रा का सवाल है, राहुल गांधी जी की यात्रा का सवाल है, मेरा ख्याल तकरीबन एक महीने का सफर जिहड़ा वह राहुल गांधी जी ने तय किया है, और 350 किलोमीटर की यात्रा, जिस तरह उत्साह मिल रहा है लोगों का प्यार मिल रहा है, और मैं समझता कि लोग दी भीड़ उमड़ रही है प्यार देने वास्ते राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी मजबूत करने वास्ते, पूरे भारत दे विच एक सुनेहा जा रहा है कि देश के अंदर जो हालात हैं, ये यात्रा चलाने की कोशिश क्यों पई? क्योंकि देश के अंदर हालात ऐसे पैदा कर दिते गए, भारत नूं तोड़न दीयां गल्लां कीतियां गईयां, लोकतंत्र नूं तोड़न दीयां गल्लां कीतियां गईयां। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਤੇ ਈਡੀ, ਕਿਤੇ ਸੀਬੀਆਈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸੋ ਡਰ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਦੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। सो इस करके भारत जोड़ो यात्रा ये राहुल गांधी ने शुरू की, तमाम लोगों को नाल लेके, और महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, और आज पूरे देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा दी गल्लां हो रही हैं, और मैं लगता कि ना कि बीजेपी इस गल का डर सता रहा है, और जिहड़ी लोकप्रियता राहुल गांधी की वध रही है, जिवें कि राहुल गांधी को यह कहा जाता है कि राहुल गांधी आलसी है, राहुल गांधी कुछ कर नहीं सकते, अज देश का कोई व्यक्ति एड्डी वड्डी यात्रा नहीं कर सकता, जिहड़ा 5 बजे उठने वाला व्यक्ति सुबह 5 बजे उठ के और 6 बजे यात्रा शुरू कर लैंदा और डेली 25 किलोमीटर चलता है। सो मैं समझना कि बहुत वड्डा हुंगारा है, और बीजेपी पार्टी दे विच हलचल मची हुई है, और ये भी आकाशरे लगाए जा रहे हैं कि किवें ना किवें इस भारत जोड़ो यात्रा नूं रोकिया जावे। कुछ थावां तों तां ये भी पता लग्या है कि जिस तरह पिछले दिन ही राहुल गांधी को 8-8 घंटे विजिलेंस 8-8 घंटे ईडी के दफ्तर बुलाना, श्रीमती सोनिया गांधी जी को बुलाना, कि यह साजिश रची जा रही है, यह साजिश रची जा रही है कि किवें इस भारत जोड़ो यात्रा को रोकया जाए। कई लोग तो यह भी कहते कि शायद राहुल गांधी को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। सो सानू किसी गल का डर नहीं है, सानू किसी गल का भय नहीं है, असी ये कांग्रेस पार्टी है जिन्हें देश की आजादी और अखंडता दे लई लड़ाई लड़ी, जेलां भरियां, अंदोलन किए, और ये जिहड़ी पार्टी है ये जेलां चो निकली हुई पार्टी है। साढ़े जे तुसी पुराना इतिहास फरोलोंगे तो तुहानू पता लग जाएगा कि जेलां दे विच साढ़े कांग्रेसी इस परिवार के लोगों ने रह रह के इस देश नू इकट्ठा करन लई आपदा वड्डा योगदान पाया, तो उस तहत ही अज भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। असी किसी गल तो डरते नहीं है, और मैं पूर्ण यकीन है जो ये यात्रा पंजाब दे विच आएगी, यानी कि जनवरी च मैं लगता है यात्रा पंजाब च आएगी, उदों तक एक मुकम्मल माहौल बन चुका होएगा, और धूमधाम के नाल असी 11 दिन की यात्रा पंजाब दे विच भी कढ़ांगे। बीजेपी के जो सूबा प्रधान ने अश्विनी शर्मा जी, वह भी पिंडा दे विच लोकां कोले जा रहे हैं, कि अपनी पार्टी दे बारे विस्तार दे विच दस रहे हैं कि दूसरियां पार्टियां नूं वैती पार्टियां दस्सी जांदे। देखो जी, बीजेपी वाले किते भी चले जाण, क्योंकि बीजेपी का नकाब हुण उतर चुकिया लोगों के कोलों, लोगों नूं पता है कि ये किस तरह के हथकंडे अपनाउंदी है, किस तरह
किस तरह हर हर प्रदेश देख लो, चाहे जिथे भी जिहड़ियां भी सरकारां जिन्हिया भी सरकार अड अड प्रदेशों जिहड़ियां बीजेपी अलायंस च नहीं है उन्होंने दबाउन की कोशिश की जा रही है। ये जिन्ना मर्जी बीजेपी के प्रधान किसी घर घर चले जाने, लोग किसान भरा साढ़े जानते हैं वो बिजली बिल लैके आए हैं, किसान भरा जानते हैं कि पंजाब के हकों को खोन वाली बीजेपी है। आओ दो साडा चंडीगढ़ पंजाब नूं, आओ पानिया की गल करिए, एस वाई एल के मुद्दे से तुसी चुप क्यों, तुसी स्टैंड क्लीयर करो। सो मैनू लगता है कि जो मर्जी मुहिम चला लैन, कितने मर्जी घर घर की चले जाने की मुहिम चला लैन, कोई फर्क नहीं पाएगा, बीजेपी का मुकम्मल सपाया पंजाब दे विच रहेगा। बीजेपी तरफों सोनिया गांधी जी तेरा जी मतलब कि राहुल गांधी के उपर प्रेशर पाया जा रहा है, मनसूबे बनाए जा रहे ने कि किवें राहुल गांधी नूं जेल दीआं सलाखां दे पिछे सुटना है, किवें इस भारत जोड़ो यात्रा नूं रोकना है, किवें राहुल गांधी दी वध रही लोकप्रियता नूं रुकावट लेके आनी है, इस गल का डर सता रहा है। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा दे विच ना केवल कांग्रेस, हर पार्टी दे लोग, हर वर्गा दे लोग जिहड़े कि अज दुखी ने भाजपा की सरकार तो और अज की सरकार तो, वह सारे बुद्धिजीव रल के इस यात्रा दे विच शामिल हो रहे हैं। और मैं थोनू जिवें कहा कि एक इनकलाबी यात्रा आने वाले समय दे विच सिद्ध होएगी और असी किसी तो डरते नहीं है। बेशक सानू जेलां च भेजो, बेशक सानू ईडी दे भेजो, बेशक सानू दस दस घंटे बुला के सवाल पूछो, बिल्कुल डरांगे नहीं। इस तरीके नाल ही साडा लीडर चलता रहेगा और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी दे उना दे पिछे उना दे दिशा निर्देश के मुताबिक काम करती रहेगी। मैं समझता कि बहुत चंगी गल है, कांग्रेस ने नहीं बदलिया, लोगों ने बदलिया है। ऑल इंडिया का प्रधान चुनाव होए डेमोक्रेसी ना, किसी और पार्टी के देश के अंदर इस तरह के चुनाव नहीं होंगे। हालांकि कहा जाता है साढ़े तो इल्जाम लगते सी, असी तो एक करके दिखाता कि चुनाव होए, दो बहुत सूझवान व्यक्ति चुनाव लड़े, लेकिन खरगे साहब नूं बहुमत सिद्ध होया। एक ऐसा व्यक्ति जिन्हें 55 साल का राजनीतिक जीवन जिहड़ा इलैक्टोरल पॉलिटिक्स च रहा, 9 बार MLA बने और 2 बार देश की पार्लीमेंट च बने, फिर राज्यसभा के मुखी, फिर लोकसभा के मुखी रहे, ओपोजिशन लीडर रहे। सो मैं समझता कि मैं लगता कि उन्होंने तजुर्बे का सानू काफ़ी फायदा मिले।